नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। कैंसर पीड़ित की मदद के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर अपने दोस्त इकट्ठा कर रहे हैं यह लोग, इलाज का पैसा इस बच्चे को देने के लिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों को 12वीं कक्षा तक सरकारी खर्च पर शिक्षा के लिए देश भर में बने जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र रहे मंजीत साह को बीते फरवरी माह में कैंसर होने की जानकारी हुई। बलिया जिले के बीबी टोला गाँव के रहने वाले 22 साल के मंजीत साह आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, लिहाजा वह कैंसर जैसी खतरनाक और खर्चीले बीमारी से लड़ने में उनका परिवार सक्षम नहीं है। इलाज कराने के नाम पर पूरी तरह से टूट चुके मंजीत ने अपना दुखड़ा अपने स्कूल के साथियों को सुनाया। तब उसके साथियों ने उसकी मदद करने की सोची और सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया, जिसके बाद मंजीत को मदद मिलनी शुरू हो गई है। मंजीत की मदद कर रहे साथियों का कहना है कि अभी मंजीत को कैंसर का ऑपरेशन कराने के लिए पैसों की जरूरत है, लिहाजा वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों से मदद मांग रहे हैं। वहीं मंजीत का कहना है कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय के दोस्तों ने मदद न की होती तो शायद वह अपना इलाज भी नहीं करा पाता। आपको बता दें, सबसे पहले सीए सन्नी कुमार सिंह ने अभिषेक की मुहिम से जुड़ने का फैसला लिया। सनी सिंह पेशे से सीए हैं और बलिया जिले में अपनी फर्म चलाते हैं। सनी सिंह की जिले में एक अच्छी समाज सेवी की छवि है। मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी छोड़कर अपने ही जिले में फर्म शुरू करने का फैसला करने वाले सनी सिंह अक्सर इस तरह की जरूरतों पर लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र 22 साल के अभिषेक उपाध्याय को जब पता चला कि उनका जूनियर मंजीत कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है और उसे तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है, तो वह बिना समय गंवाए उसके लिए पैसों का इंतजाम करने में जुट गए। इसमें उनके साथ रहे उनके नवोदय विद्यालय के ही छात्र है सन्नी कुमार सिंह और डॉक्टर शिशिर कुमार और रंजीत चौहान धीरज सिंह। इन 5 साथियों ने मिलकर बीते 25 नवम्बर को सोशल मीडिया के जरिए मंजीत के ऑपरेशन के लिए फंड जुटाने की मुहिम शुरू की। इस मुहिम का असर इतनी तेजी से हुआ कि करीब 12 दिन में ही अभिषेक और उसके साथियों ने 3 लाख रुपए का फंड सीधे मंजीत के खाते में जमा कर दिया। बैरिया बलिया के निवासी और नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र 21 वर्षीय मंजीत कुमार शाह स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इस साल फरवरी में उन्हें इस बीमारी ने उनके परिजनों और को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। वाराणसी के होमी भाभा रिसर्च सेंटर में इलाज करा रहे मंजीत के परिजनों से डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए करीब 4 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा है। मंजीत के माँ बाप के लिए इतने पैसों का इंतजाम करना लगभग नामुमकिन था। अब वे इस चिंता में थे कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। ऐसे में अभिषेक और उसके साथी मंजीत के परिजनों के लिए फरिश्ते बनकर के सामने आए। अभिषेक का कहना है कि मंजीत मेरा 1 साल जूनियर है और जैसे ही मुझे मालूम चला कि वह स्किन कैंसर से पीड़ित है, उसे पैसों की जरूरत है, मैं पूरी रात सोचता रहा कि मुझे अपनी साथी को कैसे मदद करनी है। मैंने सोचा कि मैं अकेला ऐसा नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाकर सीधे मंजीत के खाते में फंड जुटाने के बारे में सोचा, लेकिन यह आसान नहीं था। फिर उसने और लोगों से भी इसके बारे में बात की और सभी लोग इस अभियान में जुड़ने को राजी हो गए। आज नतीजा सामने है। अभिषेक और सनी के साथ 4 लोगों की टोली ने मंजीत के परिवार की आर्थिक मदद के लिए जब सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की तो 1 हफ्ते में इसका व्यापक असर हुआ। कई एनजीओ ने भी अभिषेक की मुहिम के जरिए मंजीत को मदद देने की पेशकश की है, लेकिन अभी 5 साथियों ने किसी एनजीओ की मदद नहीं ली है। महज 22 साल की उम्र में यह अभियान शुरू करने वाले अभिषेक और उनके 3 साथी की आज पूरे जिले में चर्चा हो रही है। मेरा नाम मंजीत कुमार शाह है और मैं जे एन वी बलिया में 2017 का पास आउट स्टूडेंट हूँ। जब मैं 2017 में पास आउट हुआ तो साधारणतः लड़के कोई भी अपनी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, उसी तरह मैं भी बलिया ही अपनी जॉब की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा वो इकोनॉमिकली अच्छे परिवार से नहीं हूँ, इसलिए मैं बलिया ही तैयारी कर रहा था, कोचिंग कर रहा था। तो जब UPP का फॉर्म आया तो मैंने अप्लाई किया और दौड़ना जब स्टार्ट किया स्टेडियम में तो हमको बवासीर की शिकायत हो गई। तो बवासीर की दवा हम बलिया से लेते रहे 2-3 महीने तक हमारा दवा चला,
अंततः जब सदर हॉस्पिटल में हमको डॉक्टर ने सलाह दे दिया कि आप BHU में जाइए, यह यहाँ ठीक नहीं होगा, तब हम जाकर BHU में अपना इलाज स्टार्ट कर दिए। BHU का डॉक्टर डायरेक्ट हमको ऑपरेशन का सलाह दिए, तो ऑपरेशन के लिए हम तैयार हो गए। तो ऑपरेशन में उन्होंने छः जाँच हमको लिखा, तो उस छः जाँच में से एक हेपेटाइटिस बी का भी जाँच था, तो वह हेपेटाइटिस बी हमारा पॉजिटिव आ गया। वहीं से हमारा मामला ख़राब होने लगा और वो हमको बोले कि बेटा अब तुमको जब हेपेटाइटिस बी नॉर्मल हो जाएगा तभी तुम्हारा ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, जब नॉर्मल नहीं होगा तो हम 3 महीने हेपेटाइटिस बी की टॉबलेट लिए, उसी 3 महीने में हमारा जो बवासीर था वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। और जब कैंसर में कन्वर्ट हो गया तो स्टार्टिंग में तो डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल है, रेडियोथेरेपी से अच्छा हो जाएगा आपका कैंसर, लेकिन फिर जब हमारा MRI टेस्ट हुआ तो MRI में उन्होंने हमको बताया कि नहीं बेटा ये फैल चुका है लीवर में भी और ये अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हमको होमि भाभा कैंसर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। तो होमि भाभा कैंसर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया हमको। जब हम वहाँ गए तो वहाँ के लोगों की जो दशा थी, पेशेंट लोगों की, हम कैंसर बीमारी से सुने थे, बहुत डरे हुए थे पहले ही, लेकिन जब हम वहाँ गए तो पैसा, जिस तरह से वहाँ पे पैसा लग रहा था ये देखकर ही हम हताश हो गए, क्योंकि जो हमारा पॉकेट खर्चा आता था घर से वो भी अच्छी तरह से नहीं आ पाता था, तो हम कैंसर जैसे बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे, यह सोच कर हम घबराने लगे और होपलेस होने लगे। कितना खर्च बताया था अस्पताल वालों ने? अस्पताल वालों ने बताया कि बेटा ये ऐसा बीमारी है कि इसका दवा जिंदगी भर चलता रहता है, इसमें पैसा पूछना नहीं रहता है कितना लगता है, अभी तो तुम स्टार्टिंग में हो, पहले जांच वाँच करा लो, देखा जाएगा क्या आता है। उसके बाद हम जब कैंट पहुँचे रात को, वहाँ सोए थे, हम बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, होपलेस थे। हम अपने नवोदय विद्यालय के एक मित्र के यहाँ कॉल किए और कॉल करके सारी बातों को बताया, तो हमारे मित्र जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको हम मरने नहीं देंगे, तुम टेंशन मत लो एकदम। उसी समय से उन्होंने पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया, एक अभियान चलाया सोशल मीडिया में इस मैटर को लेकर। नवोदय के स्टूडेंट हैं मुनीत कुमार, ये मैटर है इनका। उसके बाद हमारे सीनियर भैया लोग जो हैं नवोदय के पढ़े हुए हैं, उन लोगों ने मदद करना स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिकली पैसा भेजना, हमारे अकाउंट में पैसा भेजना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमारे नवोदय के जो प्रिंसिपल हैं, JNV बलिया के प्रिंसिपल, उन्होंने खुद कॉल करके हमारे सीनियर भैया को बताया कि बच्चों को भेजिए JNV में, भाई हम कुछ पैसे कलेक्ट करवा देते हैं, जो जब JNV का बच्चा है तो ऐसे उसको हम लोग मरने नहीं देंगे। तब हम जब हम अपने क्लासमेट्स को बोले कि भाई प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, आप लोग जाइए और JNV से कुछ पैसा लाइए। हाँ, 62,000 रुपया कलेक्ट किया गया हमारे JNV से और हमारे मित्र लोग आए। उसके बाद हमारा जो वो था ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तब जाके हमको लगा कि हाँ मैं कुछ दिन और जी सकता हूँ, हमको लगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और उस समय से लेकर अब अभी तक जब हमारा इलाज चल रहा था, सारा पैसा हमारे JNV के मित्रों द्वारा, हमारे JNV के फैमिली द्वारा, हमारे नवोदय के टीचर द्वारा दिए गए पैसों से हो रहा था। लेकिन अब हमारा सर्जरी होना था और अचानक से जब हम वहाँ पे गए, हम समझते थे कि 1,00,000 रुपये के आसपास वो बनाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, तो हम उतना चिंतित नहीं थे। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जब डॉक्टर ने, सर्जरी के जो डॉक्टर हैं हमारे, उन्होंने जब 3.5 लाख का कास्ट सर्टिफिकेट बनाया, तो उसके बाद हम सोचे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब हम बचेंगे नहीं। अब उसके बाद हम किसी से बता नहीं रहे थे, हमारे पापा क्योंकि पहले से ही हताश थे, हम उनको कुछ नहीं बता रहे थे। बार बार हमारे घर से कॉल आ रहा था क्या हुआ, हम नहीं बता रहे थे, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान ही हमारे पापा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे इसी मैटर को लेकर, क्योंकि अपने परिवार में मैं ही एक पढ़ने वाला लड़का हूँ, मेरे 2 भाई जो हैं वो 8 ही तक पढ़े हैं केवल, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो मेंटली थोड़ा वो हो गए थे, इसलिए मैं उनको बताना उचित नहीं समझा। बार बार मैं अपने होमि भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो है उसमें बार बार सोशल वर्कर की जो टीम है उनसे मैं बार बार गुहार लगाता रहा कि भाई 3.5 लाख का ये जो आप लोग बनाए हैं, मैं कैसे ये बियर, मैं तो बियर नहीं कर पाऊंगा, आप लोग कैसे भी मुझे बचा लीजिए। वो लोग कहे कि नहीं बेटा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।